खबर समस्तीपुर से है, जहां पर भाकपा माले के आह्वान पर हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ कार्यालय सहित अंचलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सांप्रदायिक फांसीवादी शक्तियों को शिकस्त दो, जमीन आवास और 2 लाख रुपए की लड़ाई में सभी गरीबों को जोड़ दो नारा के साथ एकजुटता प्रदर्शित किया। वर्षों भीगते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कमेटी सदस्य मंजू प्रकाश ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा जेडीयू की सरकार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के गरीबी का मजाक उड़ा रही है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार 94,33,312 परिवारों को प्रति परिवार 2-2 लाख आर्थिक सहायता देने का विधेयक विधानसभा से पारित कराने के बावजूद 72,000 रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र की मांग किया जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में गरीबों को गरीब होने का प्रमाण पत्र अंचलाधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता है। भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड कमेटी के तत्वावधान में हम तमाम उजियारपुर के तमाम गरीबों को 70,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने और 94 लाख से ज़्यादा जो गरीब परिवार हैं उसको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने, तमाम गरीबों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान देने, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग को लेकर के हम लोग अंचलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किए हैं और इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर के आए थे। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 94 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार हैं। हमने सीओ साहब को कहा है कि उजियारपुर में 10,000 से ज़्यादा गरीब परिवार है, तो आप मुख्यमंत्री के पदाधिकारी हैं तो 94,10,000 से ज़्यादा गरीब परिवार को चिन्हित करके 2-2 लाख रुपया देने की जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। और नीतीश जी ने जो 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा किए और जमीन नहीं देंगे तो जमीन खरीदने के लिए पैसा देंगे, हम कहे कि आप अंचलाधिकारी आप हैं, नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं, आपको जमीन देना पड़ेगा गरीबों को और नहीं तो 5 जमीन खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। आपने घोषणा किया मोदी जी ने कि हम तमाम गरीबों को पक्का का मकान देंगे, हम कहने आए हैं कि आप गरीबों को पक्का का मकान दीजिए। आपने जो वादा किया बिहार और केंद्र सरकार, वो वादा अपना पूरा करे, अगर वो वादा पूरा नहीं करेगा तो भाकपा माले गरीबों को एकजुट करके हम संघर्ष करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि आज जो बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर लगा रहा है, बिहार छोड़ करके आज बंगाल और उड़ीसा में नहीं लगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं लगा, राजस्थान और पंजाब में, महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगा, तो बिहार में ही क्यों लगाया जा रहा है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अडानी का स्मार्ट मीटर और अंबानी का चिप, जियो चिप, ये दोनों का गठबंधन करा के बिहार की जनता को लूटने का साजिश मोदी और नीतीश, बिहार की डबल इंजन की सरकार स्मार्ट मीटर के माध्यम से कर रही है, जो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके खिलाफ भाकपा माले चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमने सीओ साहब को अभी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप वादा पूरा नहीं करेंगे, आप अगर काम नहीं करेंगे, 70,000 से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं देंगे, भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। मोदी के जुमला के तरह नीतीश के घोषणा को भाकपा माले और उजियारपुर और बिहार का गरीब जुमला नहीं बनने देगा। हम 70,000 से कम का प्रमाण पत्र भी लेकर रहेंगे और 2-2 लाख रुपया भी लेकर के रहेंगे और जब तक नहीं मिलेगा भाकपा माले चरणबद्ध संघर्ष करेगी। और आने वाले दिनों में हम कहना चाहते हैं कि पूरे पंचायत भवन पर भाकपा माले गरीबों को लेकर के प्रदर्शन हम लोग करेंगे, लेकिन 70,000 से कम का आय प्रमाण पत्र और 2-2 लाख रुपया लेकर रहेंगे। बिहार में हमारी पार्टी भाकपा माले हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत लगातार हर प्रखंड अंचल मुख्यालय पर आंदोलन कर रही है और उसी के तहत आज उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय पर भी 30 सितंबर को ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांगों में प्रत्येक गरीब परिवारों को 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि वो मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के तहत 2 लाख आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें। दूसरी बात कि बिहार में 2 करोड़ से अधिक हाउस होल्डर हैं जिनके घर में बिजली लगी हुई है,
बिहार की सरकार ने महज 50 लाख लोगों के घर तक वो स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया है, लेकिन जहां भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं हर जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं कि गरीबों को जो बिजली बिल लिया जा रहा है वो दुगुना वसूला जा रहा है। ऐसी स्थिति में खून चूसने वाला जो स्मार्ट मीटर है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और दिल्ली पंजाब की तरह हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए, बिजली का पुराना बिल माफ़ किया जाए। और ये सर्वे का जो काम शुरू आनंद थाना ने किया गया है तो इसमें जो रजिस्टर 2 है उसको अप टू डेट कराया जाए, तमाम रजिस्टर 2 में लोगों का खाता खेसरा अंकित हो और जो उनका रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रहे, जो लोग प्राप्त ऑनलाइन कर सकेंगे ताकि उनको सबूत के रूप में मिल सके। पुराना खतियान बहुत सारे लोगों के पास उपलब्ध नहीं है और बहुत सारे लोग परेशान होते जा रहे हैं। इसी तरह जो गरीब भूमिहीन जो सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं उनका सर्वे कैसे होगा, उन तमाम लोगों को सर्वे की गारंटी किया जाए और 5 डिसमिल जमीन देने की गारंटी की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर हमारी पार्टी और भी बहुत सारे मुद्दों जनहित के मुद्दों को लेकर यहां प्रदर्शन करने आई है। मैं फूल बाबू सिंह भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य। मोदी के जिम्मे और कोई काम नहीं, सिर्फ काम है वैसी वैसी योजनाओं को लाना जिससे गरीब परेशान हो। गरीब का ध्यान असली लड़ाई से हमेशा भटका रहे इधर उधर। अभी सर्वे हो रहा है। सर्वे करने से पहले आपने 1 साल पहले कहा कागज पत्र तैयार कर लो, हम सर्वे करने जा रहे हैं। आपने अफरा तफरी में घोषणा कर दिया कि सर्वे करवाएंगे, 1 साल में सर्वे करवाएंगे। यहाँ 2 भाई के बीच जब बंटवारा होता है और नापी होती है तो 10-10 गोमीन बुलाया जाता है दोनों पार्टी से, डंटा चलता है, लाठी चलती है। और जब गांव की गांव मापी होगी तो खून की नदियां बहेंगी। और सरकार की यही मंशा है कि जनता इन बातों में उलझ जाए, वो स्कूल की, कॉलेज की, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात नहीं करे। हमें नहीं करवाना है सर्वे। अगर यह सर्वे गरीबी हटाने का, गरीबों को हटाने का फरमान है तो हम सर्वे नहीं होने। समस्तीपुर से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।